जनकल्याण समिति ने अपना 24वां रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन न्यू आरडी पब्लिक स्कूल शाहदरा दिल्ली में किया। इस रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन नीरज अग्रवाल ने करवाया। इस इफ्तार पार्टी में आसपास के इलाके के सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना रोजा खोला और इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। इस इफ्तार पार्टी में आसपास के इलाकों के सभी पद सम्मानित लोग भी शामिल हुए। हिंदू समुदाय के लोग भी शामिल थे, जिससे भाईचारे का पैगाम जाता है। हमने भारत टीवी की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो उन्होंने इसे इस महीने को इबादत का महीना बताया। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस इबादत के महीने में ऊपर वाले से अमन शांति की कामना करते हुए अल्लाह से दुआ मांगी। सभी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। इस इफ्तार पार्टी में सभी का ध्यान रखते हुए खाने पीने का इंतजाम किया। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इस रोजा इफ्तार के? रोजा इफ्तार के लिए मैं इनको नीरज भाई को बधाई देना चाहूँगा। इनके अपने फादर के टाइम से जी ये फादर इनके कराते थे, आज उस उन्होंने उसको कायम रखा है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, इनकी हौसला अफजाई करता हूँ। हिम्मत तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे भाई? मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनके हम हर टाइम इनके साथ खड़े हैं, कांधे से कांधा मिला के, और इनके फादर के टाइम भी हमें वो बुलाते थे जब भी आते थे, और इनको बहुत बधाई देता हूँ और हम इनके साथ हैं हर तरह से और इनके साथ रहेंगे। बेटा कुर्सी डालो। ये अपने हर्ष जी क्या कहना चाहेंगे आज के रोजा इफ्तार दावत? आज के रोजा इफ्तार दावत का जो टोटल क्रेडिट है वो लाला रघुवर दयाल जी को जाता है, और उन्होंने पिछले 20 वर्षों से राम रहीम के नाम से उन्होंने जो संस्था बनाई और उसमें लगातार चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, खाली रोज़ा इफ्तार की बात नहीं है, पूरे अपने सामाजिक जीवन में उन्होंने, क्योंकि वो वेलकम में ही रहते थे, उनकी दुकान भी वेलकम में ही है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में कभी कोई फ़र्क नहीं माना। और मैं अक्सर देखता था, मेरे भी बड़े वरिष्ठ नेता थे वो जी, आज उनका स्वर्गवास हो चुका हुआ है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से याद करता हूँ इस बात के लिए कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाने के लिए उन्होंने जो जितना एफर्ट किया है आज तक हमारे क्षेत्र में और किसी ने नहीं किया, और उसके कारण से हमारे यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के बीच में बिल्कुल भी फर्क दिखता ही नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, सब लोग मिल के मनाते हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र नीरज भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने उनकी इस परंपरा को और अच्छे से आगे बढ़ाया है। तो इस मौके पर मैं सभी को ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा इसे कवर करने के लिए आते हैं। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे, इस सफर को 24 साल हो गए। सबसे पहले तो बधाई नीरज जी को, जो लाला रघुवर दयाल जी की लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ा रहे हैं, कभी हेल्थ चेकअप कैंप, कभी रोजा इफ्तार, और अच्छा लगता है यहाँ आके सभी मिलजुल कर करते हैं। मैं इस पवित्र रमजान के महीने के सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ आने वाले ईद की, और नीरज इसी तरह से आगे काम करते रहे, ये सब हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत बधाई। 24 साल का सफर हो चुका है। देखिए मैंने कहा नीरज को बधाई, क्योंकि लाला रघुवर दयाल जी की जो लेगेसी है जो उन्होंने किया उसको कोई ना कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा, उनका बेटा कंटिन्यू नहीं कर रहा, ये बड़ी बात है। 24 साल में लाला जी का सर्वा कुछ वर्ष पहले में हुआ, पर नीरज उससे अच्छा, मतलब उनसे अच्छा तो कंपेरिजन नहीं कर सकते, पर उस चीज़ को निभा रहा है और हर वर्ष अच्छे ढंग से, खाली यही रोजा इफ्तार नहीं, कई बार हेल्थ चेकअप कैंप, कई बार और कार्यक्रम वो करते हैं, इसलिए मैंने कहा वो और उसके पूरे स्कूल को टीम को बधाई।
मेरी मेरा फोटो। आप क्या कहना चाहेंगे आज जी? ये खालिश रोजा इफ्तार नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गंगा जमुनी तहजीब को 24 साल से संजोए हुए लाला रघुवर दयाल जी के सपुत्र, और उन्होंने खुद ने यहाँ एक ऐसा प्रयास किया जहाँ गंगा जमुनी तहजीब को आगे तक जिंदा रखा, और उसके लिए मैं बधाई के पात्र हैं नीरज जी। मैं इनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शुभकामना देना चाहेंगे आज के रोजा इफ्तार दावत। सबसे पहले तो मैं अपने भाई नीरज को धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत समय से ये कार्यक्रम वो करते आ रहे हैं, एक भाईचारे का जो पैगाम है वो क्षेत्र में देते आ रहे हैं, और जो उनके पिताजी थे उनको उनसे विरासत में इनको ये मिली है कि वो आगे उस परंपरा को चला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि परसों ईद है, उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरीके से हम प्यार से भाईचारे से मिलकर रहते यहाँ पर रहें, क्योंकि पड़ोसी पहले काम आता है, रिश्तेदार बाद में काम आते हैं, तो सब आसपास के लोग हैं, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, और हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम और होते रहें क्षेत्र के अंदर, ऐसा मैं चाहती हूँ। लगातार 24वां ये रोजा इफ्तार कैंप के लिए बाबूजी और बाबूजी के बाद नीरज भाई इस बात के बधाई के पात्र हैं कि मैंने क्या बोला कि पिता ने जो विरासत में दिया वो उनको आगे लेके जा रहे हैं, कि ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उस परंपरा को बढ़ा के रखा और पहले से और बेहतर बेहतर वो कर पा रहे हैं, तो इसके लिए तो नीरज भाई बधाई के पात्र हैं। पूरी EDMC की ओर से शुभकामनाएं। मैं पूरी EDMC की ओर से अपनी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ।